वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सरबप्रीत कौर, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह पॉडकास्ट विच तुहाडा स्वागत करदी हाँ। अज दे एपीसोड विच असीं पिछला लेख गुरु हरगोबिंद साहिब जी जीवन ते जोत नूं अगे वधा रहे हाँ। सिख संगतां नूं मिलन वेले गुरु हरगोबिंद साहिब जी आम आख्या करदे सन कि मेरी प्यारी पेटा जवानी घोड़े ते शस्त्र हन। 1609 ईस्वी नूं मुगलई तख्तां दे बराबर श्री हरमंदर साहिब दे सन्मुख श्री अकाल तख्त भी बना लिया। धर्म ते राज दे प्रतीक वजो दो कौमी निशान भी चुला दिते। लोहगढ़ दा किला भी उसार लिया। जवाना दी भर्ती लई कुछ केंद्र भी स्थापित कर ले। कवि ढाडी ते सूरमे गुरु तख्त उत्ते आके जुड़न ते वारा गा गा के रोस ते वीर जज्बिया नूं भड़कान लग पए। बादशाह जहांगीर नूं इस तरह महसूस होन लग पिया कि गुरु हरगोबिंद साहिब शाही राज दे मुकाबले अपना स्वतंत्र ते नानक राज स्थापित करन विच सफल हो रहे हन। नानक राज नूं खत्म करन वास्ते जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब नूं गिरफ्तार करके पंजाब दे किसे जेल विच नहीं ग्वालियर दे किले विच बंदी बना लिया। इस किले विच पहला भी कई सरकार विरोधी राजे बंदी पए हुए सन। लगभग 1611 ईस्वी तो 1614 ईस्वी तक 3 साल गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस ग्वालियर दे किले विच रहे। सूफी फकीर मियां मीर गुरु दरबार दिया धर्म ते ज्ञान सांझा दा शैदाई सी ते बेगम नूर जहां मियां मीर दे सेवकां विचों सी। एक पासे बाबा बुढ़ा जी ते भाई गुरदास जी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी गिरफ्तारी विरुद्ध रोस प्रगटावा करदे सन ते दूजे पासे मियां मीर ते बेगम नूर जहां गुरु जी दी आत्मक ते परोपकारी प्रतिभा तो जहांगीर नूं प्रभावित करदे हन। जहांगीर आप भी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी प्रतिभा तो प्रभावित होया ते उसने गुरु हरगोबिंद साहिब जी ते उनां दे कहन उत्ते 52 होर राजियां नूं भी बंदी विचों छड़ दिता। इसे याद विच जिथे गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं बंदी छोड़ दाता आख्या जांदा है उथे ग्वालियर विखे ही बंदी छोड़ गुरद्वारा भी सिरजिया गया है। इतिहास साखी है कि बंदी तो मुकत होन तो लै के जहांगीर दे अखीरले स्वास तक लगभग 13 साल दोआं विच सांझ समझौता रहा। जहांगीर ने उसो दी बेगम विच एक वारी श्री हरमंदर साहिब दे दर्शन वास्ते भी आए। इत्थों तक कि अकाल तख्त दी उसारी करन वास्ते शाही भेटा भी भेट कीती। यही 13 साल दा शांति समा सी जिस विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने सिख शक्ति नूं केंद्रित करन वास्ते अमृतसर, करतारपुर ते कीरतपुर दी सिरजना वल ध्यान दिता ते नाल नाल कश्मीर अते होर अनेकां शहरां विच ध्यानी प्रेम विच जुड़े सिखां नूं मिल के धर्म प्रचार वल रुचित कीता। कश्मीर विच गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे भाग पारी दी मिलन इतिहासक याद वजो संभाली हुई है। 1627 ईस्वी नूं जहांगीर बादशाह चलाना कर गया ते मुगल गद्दी दा मालक शाह जहान बन गया। गुरु विरोधी शक्तियां ते मुल्ला मुलानियां ने शाहजहां दी अगवाई विच एक वारी फेर टकरा दा वातावरण सिरज दिता। शाहजहां ते गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी 4 जंगा भी होया। प्रोफेसर पूरन सिंह जी ने ठीक लिखिया है कि जंगा दौरान गुरु हरगोबिंद साहिब जी दा मन सदा शांत निर्भय ते अडोल रहा। उना कोल सैनिक शक्ति इन्नी केंद्रित हो गई सी कि वह शाही दलां नूं भजाण विच सफल साबित होए। शाही युद्धां दे वेलिया हुंदिया ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपना निवास कीरतपुर विखे कर लिया। कीरतपुर विखे ही गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1644 ईस्वी विच पहला अपना गुरु जोत नूं हर राय जी दे हिरदे विच टिका, गुरु हर राय जी नूं 7वें गुरु दे रूप विच उजागर कीता
फिर इत्थे ही आप सिख संगता नूं सदा लई विछोड़ा दे गए। गुरु द्वारा पातालपुरी गुरु हरगोबिंद साहब जी दे ज्योति जोत समाउन दा ही प्रसिद्ध ते स्थित यादगार है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।